अब हम जाने वाले हैं BMW के पास। तो गाइस यार ये राफ्ट आ रही है और ये यहाँ पे इनका एंडिंग है। हेलो गाइस, वेलकम बैक मुक्की पहाड़ी वाला ब्लॉग। तो गाइस आज इस ब्लॉग में मैं आपको लेके जाने वाला हूँ गंगा के पास। तो गंगा माँ के दर्शन करेंगे आज हम इस ब्लॉग में। तो गाइस सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। टाइम हो चुका है, दिन के बज चुके हैं डेट और गंगा पे आज का ब्लॉग बनेगा मजेदार। क्या पता कोई गोरा या काला मिल जाए हमें आज गंगा के पास। तो गाइस बने रहे ब्लॉग के अंत तक। तो गाइस ये वो गंगा जहाँ पे हम आज जाएंगे इस ब्लॉग में। तो गाइस भीड़ देख सकते हो सामने, कितना भीड़ है। क्या पता इस ब्लॉक में कोई मिल जाए काला गोरा बात करने के लिए, बट कोई गोरा ही मिलना चाहिए जो साला प्रॉपर इंग्लिश बोलता हो और हमें भी सिखाए कुछ। तो गाइस चले नॉलेज लेते हैं कुछ। तो गाइस ये आ गए हैं हम। आज मेरा BMW है बीमार और BMW आज बीमार, तो हम जाएंगे गंगा के पास। तो गाइस पहुंच चुके हैं हम गंगा से थोड़ा दूर। तो सामने की गंगा आप देख सकते हो, अभी बहुत शांत माहौल है और टाइम हो चुका है, दिन के 1:30 बज चुके हैं। और ये है नीम बीच जो कि ऋषिकेश में है और ये तपोवन के नाम से जहाँ पे तपोवन की लोकेशन है। और यहाँ पर काफ़ी राफ्टिंग वालों की भीड़ आज इस ब्लॉक में, काफ़ी भीड़ है आज इस ब्लॉक में। नदी में तो गाइज यार अभी मैं नीम बीच में आया हूँ और नीम बीच का जो लोकेशन मैंने आपको बताया, नीम बीच का लोकेशन है ऋषिकेश और ऋषिकेश में तपोवन में, और ये पड़ता है तपोवन में नीम बीच। और तो गाइज ये पीछे देख सकते हो यार, आजकल राफ्ट खुल चुकी है और राफ्ट का एंजॉय आप भी ले सकते हो देवभूमि उत्तराखंड ऋषिकेश में आके। और जो बीच में राफ्ट काफ़ी दिन से बंद पड़ी हुई थी जो कि 16 या 17 या 18 किलोमीटर की राफ्ट हो रही थी, तो अब राफ्ट हो रही है पूरी। तो गाइज इस ब्लॉक में मैं आपको आज जिस लोकेशन पे लाया उसके बारे में तो मैंने आपको बताया। सारे लोग यहाँ से काफ़ी दूर दूर से यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं, गोरे भी आते हैं। तो हमें मिलेगा अगर आज कोई गोरा तो हम करेंगे गोरे से बात। तो गाइज बने रहे ब्लॉक के। और गाइज यहाँ पे काफ़ी आपको खाने के लिए सुविधा मिलेगी, जैसे कि ये मैगीज बननी है और चाय और कॉफ़ी आपको यहाँ पे मिलेगा। ब्रेकफास्ट और स्नैक्स आपको यहाँ पे मिल सकता है खाने के लिए। और यहाँ पे देख सकते हो ऊपर हाईवे है और हाईवे से ये लगभग 150 या 200 किलोमीटर पे होगा। और सामने का रिवर देख सकते हो, गंगा कितनी शांत है आजकल। वैसे तो गंगा बहुत काफ़ी फास्ट रहती है, तो गंगा आजकल बहुत शांत है। आप भी ले सकते हो यार यहाँ पे आनंद गंगा में। और देख सकते हो कैसे राफ्ट आ रही है और काफ़ी डेंजरस भी है, बिना जैकेट का आप कभी राफ्ट मत करना। तो गाइज आजकल जो ब्लॉग में नए, एक बार चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरा जो भी ब्लॉग बने आपके पास उसका नोटिफिकेशन जाए। और आप बेल आइकन पे भी प्रेस जरूर करें ताकि जब भी मेरा कोई नया ब्लॉग आए, जो भी आए, तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन जाए। तो गाइज बने रहें ब्लॉग के अंत तक।
तो गाइज यहाँ पे कल एक बहुत बड़ी घटना हुई थी, और घटना ये हुई थी कि यहाँ पे एक लड़का बह चुका है गंगा पे, और गंगा पे यहाँ पे अभी तक शायद उसको ढूंढ रहे होंगे। तो गाइज यार मतलब भौरा जो कि गंगा के बीच में होता है, तो गाइज संभल के रहें गंगा के पास, आप जब भी आते हो तो फिसलने का काफ़ी डर रहता है यार, कोई नहाने के लिए जाता है तो डूब जाता है तो काफ़ी दिक्कत आ जाती है, वापस तो कभी कोई नहीं आ पाएगा अगर इस भौरे के बीच में कोई चले गए। मेरे साथ एक और आए हैं मूर्ति, जो कि कुछ बोलना नहीं चाहते हैं मेरे इस ब्लॉग में। मैंने काफ़ी कोशिश की कुछ बोलो और ये कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, और ये बस आनंद ले रहे हैं। तो गाइज यार पीछे का आप व्यू देख सकते हो, गाइज मज़ेदार है। और आज यहाँ पे गाइज काफ़ी रेत भी है, और मैं चप्पल पहन के आऊँ क्योंकि एक बार मैं आया था यहाँ पे तो जूतों के अंदर काफ़ी रेत चली गई थी, और इस कारण से मैं आज चप्पल पहन के आया हूँ। तो गाइज यार से प्रो गंगा से गंगा पे कूड़ा मत फैलाओ। और तो गाइज यार काफ़ी रावना है नीचे, मज़ा आ रहा है यहाँ पे आकर, और काफ़ी सुकून मिल रहा है आज इस ब्लॉक में। तो काफ़ी दिन बाद आज गंगा के दर्शन किए, और गाइज अभी टाइम भी हो चुका है, दिन के 2 बज चुके हैं, और आज घर से ही खाना खुना खा के आया मैं अभी यहाँ पे। और आप देख सकते हो यार सामने जो हाईवे है ये ऋषिकेश के लिए यहाँ से भी जाता है रास्ता और सड़क, और यहाँ ऊपर से भी जाता है। तो आप वहाँ पे देख सकते हो काफ़ी बाव है पानी का, और काफ़ी डर भी है वहाँ पे। यहाँ से चल के अगर पैर फिसल गया तो हम गए, फिर पैर टूट जाएगा, कुछ दिन हॉस्पिटल में रेस्ट करना पड़ेगा, तो काफ़ी संभल के यहाँ से चलना होगा। तो गाइज यार नहाने का अभी मूड नहीं है क्योंकि आज काफ़ी ठंडा है पानी, और यहाँ पर नहाना काफ़ी डेंजरस है, और आएंगे किसी दूसरे दिन यहाँ पे नहाने के लिए। तो यहाँ पे काफ़ी थंडर टाइप के, और बहुत कुछ ये है कि यहाँ पे काफ़ी पत्थर भी हैं बड़े बड़े, और सामने का नज़ारा। तो गाइज अभी चलते हैं हम घर की तरफ, घर की तरफ, और पूरा सपोर्ट करें बुक्की पहाड़ी वाला ब्लॉग को, जैसे कि आपके लिए नए नए ब्लॉग भी आते रहते हैं, और जैसे कि आपके लिए नए नए ब्लॉग भी आते रहते हैं। तो गाइज मिलाते रहेंगे आपको देवभूमि उत्तराखंड की इन हसीन वादियों से, और आज का ब्लॉग यहीं तक क्योंकि ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे आज का ब्लॉग। तो गाइज यहाँ पर रेत काफ़ी है, और रेत पाँव के अंदर बहुत ज़्यादा आ रही है, और झाड़ियाँ भी हैं यहाँ पर, तो झाड़ियों के अंदर से हम कहाँ से जाएंगे आगे को। तो गाइज अब करते हैं थोड़ा चाय पीते हैं और उसके बाद चलते हैं आगे को। तो गाइज ये चाय आज की फर्स्ट चाय है, तो गाइज इसके बाद चलते हैं आगे को, तो पहले इस चाय को पी लेते हैं। अपने बाबू को सुनाऊंगा एबीसीडी। और अब चलते हैं आगे को, यहाँ से हम आ चुके हैं ऊपर को, और ये यहाँ से सड़क जाती है जो कि कच्ची सड़क है, धूल भी काफ़ी है इस पे जब गाड़ियाँ चलती हैं। तो मैंने अपना BMW किया हुआ है खड़ा ऊपर, और मेरा BMW है ऊपर जहाँ पे मैं अभी जाने वाला हूँ, और आज गंगा के दर्शन भी हो गए, तो सामने मंदिर भी काफ़ी है। और गाइस दिवाली के बाद ये वाला ब्लॉक आज का, तो बने रहे हैं देवभूमि उत्तराखंड केन हसीन से, जो कि आपको देवभूमि उत्तराखंड की इन हसीन वादियों से मैं हर ब्लॉक में दिखाता रहता हूँ। तो गाइस ये
देख सकते हो आप गाड़ी रापती। और ये धूल जो कि हमारे कैमरे पे लगने वाली है। और अब आगे को तो धूल काफी है इस पे, इस सड़क पे धूल ही धूल और पाउडर भी इसके साथ। तो गाइस ये देख सकते हो पाउडर ही पाउडर यहाँ पे फ्री मिलेगा आपको, जो कि नेचुरल है। और नेचुरल कुछ भी हो फ्री काफी होता है। तो यहाँ से पैदल जाने का जो है, और मेरे साथ जो दो और हैं, ये बहुत शर्माते हैं गाइस ये काफी शर्माते हैं ब्लॉग में आने के लिए। तो हम जाने वाले ऊपर, काफी चढ़ाई है यहाँ से जाने के लिए। और बॉर्डर काफी मिल गया आज, ये देख सकते हो यार कच्ची रोड है बट धूल काफी है इस रोड पे। और चाय पीने के बाद एकदम से गर्मी का एहसास हो रहा है यहाँ पे आज। काफी चढ़ाई है यार ऊपर जाने के लिए। जब हम नीचे गए हुए थे बीच पे, तो यहाँ से गाड़ियाँ जाती हैं बट मैंने अपनी बाइक को ऊपर खड़ा किया हुआ है, और BMW जो कि सामने पे खड़ा किया हुआ है जिसको। और अब हम जाने वाले हैं BMW के पास। तो गाइस ये है अपना BMW जो कि मैंने यहाँ पे खड़ा किया हुआ था, और हम गए हुए थे गंगा के पास। तो गाइस आजकल BMW की हालत अच्छी हो चुकी है, क्योंकि मैंने इस पर कराया डेंटिंग पेंटिंग का काम और चकाचक हो चुका है। तो गाइस इसको मैं काफ़ी टाइम से चला रहा हूँ, 8 साल हो चुके हैं इसको मेरे पास, और ये अभी तक मेरे साथ है, काफ़ी साथ देती है मेरा। जैसे कि आप लोग भी मेरे को काफ़ी सपोर्ट करते हैं, उसी तरह से ये भी मेरे को काफ़ी सपोर्ट करती है। देखो मोदी जी से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मोदी जी एक बार इस सड़क को भी बना दीजिए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी पत्थर हैं मोदी जी, और आप यहाँ पे भी